अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। तो जो कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन आया था, तो आपने क्या उसमें जवाब दिया था? कब दिया था जवाब? जवाब वही शायद है कि 2015 में है, एक्टिवेट हुआ था। तो आपने कहाँ देखा था वो क्वेश्चन? टीवी पे आया था? टीवी पे नहीं आया था, मेरा मोबाइल था टच का, उस पे मैंने इसे मतलब इधर से कॉल आया कि स्क्वायर खेलना है। मैंने 2015 से स्टार्ट किया था खेलना, जो कि वो 17 तक चला था। इसके बाद लास्ट में उधर से कस्टमर जो है फ़ोन किया था, इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे नंबर पे लॉटरी लगी है। इसके बावजूद फिर हम लोगों ने पैसा जमा किया था। रात में काम करता था लड़का, 1.5 साल पहले से ही इम्फाल छोड़े, इम्फाल तो 8 महीना किया है, अब फिर भाग आया हूँ वहाँ से। उसी पैसों को उन्हें सब मैं जोड़ बटोर के 3,73,000 रुपए उनके खाते में जमा कर दिया हूँ दीदी। जमा करने के बाद जो है क्या कहते हुए वो कह रहे हैं कि 36 और दीजिए तब आपका पैसा प्राप्त हो। एजेंट बनाए गए थे, एक तरफी से सीनियर आए थे जिनका नाम राम प्रसाद सिंह था। इसके बाद जोर दिया और काम करने लगे। व्यवसाय अपने पास नहीं था, यही सिलाई वाला था, कम चलता था, इसलिए जो है अपने किसी को दाल रोटी चलाने के लिए जुड़ गए थे। और हम काम किया इसमें 5 साल। 5 साल में ये सूचना आई कि मतलब कंपनी ने जो है बंद कर दिया, तो इसके बाद काम हमारा खत्म। इसके बाद गाली मिलती है। पैसे के लिए भटक रहे हो, कितना पैसा आप लोगों ने जमा करवाया? से लगातार भटक रहे हैं, आज तक अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग 4 साल बीतने को जा रहे हैं, फिर भी हमारे कोई सुनवाई को नहीं जा रहा है। कंपनी कहाँ की थी? कंपनी दिल्ली से रजिस्टर्ड थी और नंबर 1 की कंपनी थी। अब इनकेस क्या सेबी की उनके बीच में क्या लेन देन का विवाद हुआ मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से पैसा किया और कंपनी भी जब तक चली ईमानदारी से पैसा लौटाया ग्राहकों का। हम लोग एक संस्था जुड़े थे, प्राट फर्जी संस्था, जिससे कि हम लोग को धोखाधड़ी से पैसा जमा कराया गया। हम लोग को सर बोला गया था कि 17,600 में तुमको कोर्स दिया जाएगा, फैसिलिटी दिया जाएगा, पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स दिया जाएगा, ये वो इंग्लिश स्पोकन कराया जाएगा, बट ऐसा कुछ कराया नहीं गया। हम लोग का धरना प्रदर्शन बस इसीलिए कि हम लोग को जिस चीज के लिए पैसा लिया गया वो चीज दिया ही नहीं गया, और उसके साथ दोगलाईपंथी हम लोग साथ किया गया।